फ्रेंड्स, तो आज हम सैमसंग गैलेक्सी S23 को देखेंगे 2024 में कैसा क्या रिस्पॉन्स है। वैसे 1-1.5 साल पुराना मोबाइल हो चुका है। नहीं, मैंने परचेज़ वैसे मेरा ये दूसरा है, तीसरा S23 है, बट देखते हैं 2023 में इसका रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है। तो चलिए, अभी जैसा कि हम पहला फीचर देखेंगे आज, इसका जो लॉक स्क्रीन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला स्क्रीन, इस पे आईफोन की तरह वो एक 3D वाला जो वॉलपेपर होता है, इस तरीके का एक वॉलपेपर लग जाता है आजकल। तो S23 in 24 ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं जितना हो सकता है या मैंने जितना एक्सप्लोर किया है या इसके बारे में जितना जाना है, मैं उस पर एक वीडियो और लेके आऊँगा। कोशिश करेंगे आज हम 3-4 पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ़ोन लॉक करना है, इस पे ऐसे प्रेस करके रखना है, उसके बाद हमें इसे अनलॉक कर देना है। इस तरीके से कुछ हमारा स्क्रीन खुल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, या इफ़ेक्ट्स में जाना है। फर्स्ट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर नहीं है और यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है। इस तरीके से इसमें हम काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास मिले हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसे अभी एज इट इज़ जैसे था वैसे रहने देता हूँ। इसे हम बैक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं फ्रेम फ्रेम्स के ऊपर। फ्रेम्स में देखोगे आप, ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से ये हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं। और ये जो पीछे का आपको एक ग्रीन कलर दिख रहा है, आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ये जो भी आपको बेस्ट लगे वो पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर्सन टू पर्सन लाइक दिस फ्रेम। तो यहाँ से सपोज दैट अगर मैं ये कलर रख के अगर मैं डन करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से ये लॉक स्क्रीन हो जाएगी। इससे पहले आपने देखा होगा ये बिल्कुल इसी तरीके से नज़र आ रहा था, लेकिन अब ऐसा हो गया है। तो हम थोड़ा इसे और डीपली कस्टमाइज़ करके देखते हैं। प्रेस करके रखना है, अनलॉक करना है। यहाँ से हम वॉलपेपर पर जाएंगे। वॉलपेपर पर जाने के बाद हम कोई भी फ़ोटो सर्च कर लेंगे। जैसा कि मैंने कल अपनी बिटिया के कुछ फ़ोटोज़ बनाए थे, तो मैं उसका एक वॉलपेपर कोशिश करता हूँ, सेट करता हूँ मैं। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, इसका भी बताऊंगा कैसे बनता है। डन कर दिया हमने। यहाँ से फिर एज इट इज़ फ्रेम पे गए हम, और हमें जैसा भी मतलब डिज़ाइन पसंद आता है, हम उस डिज़ाइन में इस फोटो को कर सकते हैं। इसमें इसका सिर प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो हम ये वाला डिज़ाइन ले लेते हैं और इसे यहाँ से डन कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ वॉलपेपर हो गया है। अगर इसे और ज़्यादा डीपली आपको देखना है, या फिर इसी टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी ही आपको इस पे AI फीचर्स को लेके और काफ़ी सारी वीडियोस लेके आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।